व्यक्ति ग्रहने का काम तो करता है, गढ़ते गढ़ते इस प्रकार से कुम्हार बर्तन को बनाता है, कभी मटके की आकृति बन जाती है, कभी गमले की आकृति बन जाती है, कभी बाल्टी की आकृति बन जाती है, कभी गिलास की आकृति बन जाती है, और उसमें जब सुंदरता आ जाती है तो कलाकृति बिखर करके आ जाती है। उसी प्रकार से विश्वनाथ दत्त ने भी अपने बालक को गढ़ने का काम किया था, लेकिन बचपन से ही उद्दंड बालक, बड़ा शरारती बालक था, बात बात में शरारत करना, बात बात में मां को चिढ़ाना, पिता को चिढ़ाना इसको बहुत अच्छा लगता। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे प्रश्न बचपन में ही इन्होंने मां बाप से करना प्रारंभ कर दिए थे कि वो निरुत्तर हो जाते थे। एक बार जब इनकी मां एक रामायण कथा का प्रसंग चल रहा था, वहां पर प्रसंग सुनने के लिए गई हुई थी, उसी समय ये बालक भी इनके साथ में गया हुआ था। बालक भी प्रसंग सुन रहा था और बीच में जो सुनाने वाला वक्ता था उसने बताया कि केले के बगीचे में हनुमान जी आते हैं। अब ये बात उनके मन में घर कर गई कि हनुमान जी के दर्शन यदि करना है तो केले के बगीचे में जाना पड़ेगा। कथा समाप्त हो गई, मां के साथ घर चले आए और घर में थोड़ी देर रुकने के बाद घर से वो सीधे निकल गए बिना बताए। उस केले के बगीचे को ढूंढते हुए पहुंचे और वहां पर जाकर के ठिठक गए कि हनुमान जी को मुझे अवश्य देखना है, आज दर्शन अवश्य करने हैं। काफी प्रयास करने के बाद रात भी हो रही थी, लेकिन जिस व्यक्ति की विपता जिसमें होती है, लालसा जिसमें होती है, स्नेह जिसके साथ अधिक होता है, वो व्यक्ति वो वस्तु निश्चित रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। काफी देर जब हो गई तो घर परिवार के लोग भी ढूंढते हुए बगीचे में पहुंच गए और ये आंख बंद के हुए आराम से बैठे हुए थे, अपने आराध्य की आराधना करने में लगे। लेकिन काफी समय व्यतीत हो गया, जब तक इन्होंने दर्शन नहीं कर लिए तब तक बगीचा नहीं छोड़ा, और कहते हैं भगवान हनुमान के दर्शन इनको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद